फेमस पोएट और अमिताभ बच्चन के बाबूजी हरिवंश राय बच्चन की एक कविता को पॉलिटिशियन और पोएट डॉक्टर कुमार विश्वास ने हाल ही में एक इवेंट में गुनगुनाया। निर्माण फिर का आह्वान फिर। अक्सर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अपने बाबूजी की कविता को बहुत फक्र से सुनाने वाले अमिताभ बच्चन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने ट्वीट के जरिए इसे कुमार विश्वास की तरफ से कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट बताया और उनकी लीगल टीम ने कुमार विश्वास को लीगल नोटिस भेज दिया। खुद के पास आए लीगल नोटिस का जवाब देते हुए कुमार विश्वास ने ट्विटर पर अमिताभ बच्चन के नाम लिखा ये पैगाम, जहां अमिताभ बच्चन के ट्वीट का ही जवाब देते हुए कुमार विश्वास ने लिखा कि कैसे हरिवंश राय बच्चन की कविता नीड का निर्माण फिर पर उन्हें सारे पोएट्स और उनकी फैमिली से वाहवाही मिली, लेकिन अमिताभ की तरफ से उन्हें लीगल नोटिस मिला। सभी कवियों के परिजनों की ओर से आशीर्वाद मिला, लेकिन अमिताभ जी ने नोटिस दिया है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आज डिलीट कर दूंगा उसको। इसी ट्वीट में कुमार विश्वास ने अपनी आवाज में गाई बाबूजी की कविता को डिलीट करने की बात भी कही और साथ ही कविता गाने के एवज में मिले 32 रुपए भी बिग बी को लौटाने की बात कह डाली और जो उससे कमाई हुई है हम वो वापस आपको भेज देंगे। बच्चन जी हमारे कंठ में है, हमारी आत्मा में, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन तर्पण जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर हरिवंश राय बच्चन की कविता पर बिग बी और कुमार विश्वास के बीच चली लीगल वॉर पर बहस का दौर जारी है।